अभिनेता ऋषि कपूर और मशहूर अभिनेत्री नीतू कपूर के बेटे बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अपने जिम पर वापसी कर चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही रणवीर कपूर ने खुद को आइसोलेट कर लिया था जब उनका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन अब रणवीर इस बीमारी से उभर चुके हैं और अपने काम पर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि रणवीर कपूर ने अपनी जिम पर वापसी कर ली है और इस दौरान देखा जाए तो आखिरकार कैसी है रणवीर की तबीयत, ये बताने वाले हैं हम आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रणवीर अपने जिम पर वापसी कर चुके हैं और हाल ही में रणवीर के ट्रेनर दीपेश भट्ट ने बयान दिया है और बताया है रणवीर की सेहत के बारे में। आइए आपको बताते हैं क्या कहा है दीपेश ने। दरअसल दीपेश ने बताया है रणवीर अभी हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। रणवीर कपूर को लेकर दीपेश ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया है कि कोरोना होने के बाद रणवीर बहुत जल्द कमजोरी से उभर गए हैं। दीपेश ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि कोरोना होने के बाद रणवीर बहुत ही जल्दी कमजोरी से उभर गए हैं। वे अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए जिस तरह की फिजिक की जरूरत है उस पर काम शुरू कर चुके हैं। इतना ही नहीं आगे बताया है रणवीर के ट्रेनर दीपेश ने कि वे जब ठीक हुए तब हमने उन्हें और 3 दिन रुककर धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करने को कहा। इतना ही नहीं पहले दिन रणवीर ने बेसिक स्ट्रेचेस किए, हमने लाइट वेट्स 5 से 7 किलो लिफ्टिंग की और इस वक्त हैवी लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में रणवीर अपने उसी फिटनेस लेवल के नजदीक पहुंच गए हैं जैसा कि वे कोरोना पॉजिटिव होने से पहले थे। ये वायरस हर किसी को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है और इस तरह से देखा जाए तो रणवीर कपूर अपनी सेहत का बखूबी ख्याल रख रहे हैं और रणवीर कपूर कोरोना वायरस महामारी से जंग जीतने के बाद एक बार फिर से अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। बात की जाए यहाँ पर रणवीर के वर्क फ्रंट के बारे में तो रणवीर जल्द ही आप सभी को नजर आएंगे फिल्म ब्रह्मास्त्र में और ऐसे में देखा जाए तो रणवीर पहली बार आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।